सो हाय गाइस, सुकुमार आज मैं बताऊंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे तरीके जिनके माध्यम से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हैं, और बहुत सारे बिगिनर ये सोचते रहते हैं कि यहाँ पर मैं गूगल में रैंक करा के अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लॉप हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है कि उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं पेड ट्रैफिक के माध्यम से जो है कि बिंग एड्स के माध्यम से, या फिर अगर हम बात करें जो है कि यहाँ पर गूगल एडवर्ड्स के माध्यम से जो कि पेड ट्रैफिक के माध्यम से जो कि मैं यहाँ पे अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आऊँगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे बिगिनर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 95% लोग जो कि फ्लॉप हो जाते हैं इसमें। और इसी वजह से यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो कि ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं होते हैं, और यहाँ पे इनकम करने में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि ट्रिक्स का इस्तेमाल करना, तरीकों का इस्तेमाल करना, स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना। अगर आप स्टेप बाई स्टेप नहीं जाएंगे तो आप कभी भी इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और साथ ही साथ ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आइडियाज़ नहीं लगाएंगे, ट्रिक्स नहीं लाएंगे, तो आप 100% इसमें पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आएंगे। जैसा कि आपने मेरा प्रूफ देखा होगा, इनकम प्रूफ देखा होगा, काफ़ी सारी वेबसाइटों से मैंने ऑन कर चुका हूँ और अभी भी काफ़ी सारी वेबसाइटों से ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो तरीके हैं ट्रैफिक लाने के, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप ब्लॉग बना लेते हो, वेबसाइट बना लेते हो, आर्टिकल लिख लेते हो, सब कुछ रेडी हो जाता है, लेकिन फ़ायदा इसका कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आर्टिकल लिखने में एक्सपर्ट हो जा रहे हो, या फिर अगर हम बात करें वेबसाइट डिज़ाइन करने में एक्सपर्ट हो जा रहे हो, लेकिन अगर आप गूगल एडसेंस के माध्यम से इनकम करना भी चाहो तो आप नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि रीज़न यही है कि आपके पास ज़ीरो ट्रैफिक होती है। तो ट्रैफिक को बीट करने का फॉर्मूला क्या है, ट्रैफिक को किस प्रकार से हम जो कि बीट करें, कैसे जो कि ट्रैफिक लेके आएँ और हमें जो है कि मेहनत ना करना पड़े, मतलब बहुत कम मेहनत करना पड़े, ट्रैफिक आ जाए, या तो गूगल से आ जाए, या फिर अगर हम बात करें पेड ट्रैफिक आ जाए, या फिर कोई भी तरीका लगा के जो कि ट्रैफिक आ जाए, लोग यही सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको गूगल के माध्यम से ट्रैफिक आए वो नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे SEO के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे आए कोई ट्रिक नहीं अभी बताने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही यूज़फुल है। उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ ट्रिक्स जो है कि कलेक्ट करता हूँ, और वो ट्रिक्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और जिसके माध्यम से मैंने $157 ऑन भी किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं मैं काफ़ी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं $40 के अराउंड में है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये कंटिन्यू अर्निंग बढ़ती रहती है और ये ट्रैफिक की ही देन है, उसी प्लेटफॉर्म की देन है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा जो कि यूज़फुल है। तो चलिए बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और इस पे आने का मतलब ये है कि आपको ट्रिक के साथ में जाना पड़ेगा। अगर ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप ट्रिक यूज़ ही नहीं करते हैं, तो ये आपको ब्लॉक कर देगा। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि ब्लॉक कर देती हैं हमें। अगर हम फेसबुक की बात कर लें, फेसबुक पर अगर हम कुछ भी डालते हैं, स्पैम करते हैं, कोई भी लिंक डालते हैं, तो हमें ब्लॉक कर देता है हमारे लिंक को। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ब्लॉक कर देता है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेरा इसका नाम है, और ये जो है कि बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी हेल्प करता है ट्रैफिक लाने में। और इसका ट्रिक जो है बहुत कम लोग जानते हैं। जो ट्रिक मैं आपको बताना, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो मैंने ट्राई किया है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वीडियो के साथ में बन रही है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और बीच बीच में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी इसके शेयर करूँगा, जो कि अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली बने रहेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ें बताना चाहता था और क्या चीज़ें आपने समझा है। और जितना इसको डीप में आप समझेंगे, उतना बेटर रिजल्ट आप यहाँ से ला सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर ब्लॉगर्स का सीक्रेट यहीं से निकलता है। बहुत सारे नए ब्लॉगर्स जो बिगिनर ब्लॉगर्स हैं, देखिए प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रेडिट के माध्यम से सक्सेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग टम्बलर के माध्यम से सक्सेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से सक्सेस हो जाते हैं अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी में। तो ये डिपेंड नहीं करता वो कहाँ से सक्सेस हो रहे हैं, जरूरी ये है कि वो ट्रिक कहाँ से उन्हें मिला है। बहुत सारे लोग जो कि रेडिट का ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो कि फेसबुक का ट्रिक यूज़ मिल जाता है उन्हें, जो कि फेसबुक का ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म पर काम करना पसंद करते हैं, किस प्लेटफॉर्म का ट्रिक आपके काम में आ रहा है, किस अगर हम बात करें जगह का, अगर हम बात करें जो आइडिया आपने यूज़ किया है, वो आइडिया किस जगह का सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पे इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल मैं कैसे करता था और कैसे मैं यहाँ से ट्रैफिक लाता हूँ। फ़िलहाल मेरी जो ओरिजिनल, अगर हम बात करें यहाँ पे जो आईडी है, वो मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके नहीं दिखा रहा हूँ। एक नॉर्मल आईडी में लॉगिन किया हूँ यहाँ पे। ओरिजिनल वाले पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरी यहाँ पे स्पेसेस भी हैं, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पेसेस बोली जाती हैं, यहाँ से इनकम भी होती है कुछ। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पे मेन मेरा ट्रैफिक का सोर्स है। और वो मैं आपको टॉपिक दिखा दूंगा, वो तरीके दिखा दूंगा, तो मे बी आप वही तरीका फॉलो करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तरीके आप टॉपिक अलग रखिएगा, जो आप मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक अलग रखिएगा और तरीके वही मैं आपको बताऊँगा, सेम तरीका है लेकिन टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डिफरेंट है। मेरा टॉपिक अलग है, आपका टॉपिक अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ से ट्रैफिक लेके आना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आंसर का ये प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। और यहाँ पे जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, ये इसे ओपन करता हूँ न्यू टैब में, तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पे डेली इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड फैक्ट्स, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसको ओपन करना है। सबसे पहला आपका टास्क यही है कि किसी को भी एनालाइज करेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। आप एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4.2K की फॉलोअर्स है इनके पास, ठीक है। अब इनको यहाँ पे क्या पड़ी है जो कि यहाँ पे अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी यहाँ पे सवाल ये है, सबसे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इनको क्या पड़ी है जो ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये ज़रूर कोई ना कोई यूज़र होंगे जो कि यहाँ पे डेली इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड फैक्ट्स के नाम से ये स्पेस को चला रहे हैं, ठीक है। इसको स्पेस बोलिए या चैनल बोलिए, यहाँ पर स्पेस बोला जाता है। तो कुछ तो रीज़न होगा जो कि यहाँ पे ये इस, अगर हम बात करें, इस चैनल को चला रहे हैं और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं या किसी और के हैं, ये चीज़ें आप देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है, काफ़ी सारे लोग भी शेयर कर रहे हैं अलग अलग नेम से। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखिए तो ये यूज़र हैं जो कि इसमें ये शेयर कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूँ कि हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। ये तो एक तरीका हो गया ट्रैफिक लाने का, बेसिक फंडा है जो कि सभी को पता है कि इस तरीके के माध्यम से मैं ट्रैफिक लेके आ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि जैसे फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे, जैसे कि आप पोस्ट डाल रहे हैं, आर्टिकल को डाल रहे हैं, और अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ और यहाँ पर आते हैं, ये देखिए ये इसको लेते हैं। अगर आप विथ आर्टिकल अगर पोस्ट डालते हैं, और ये देखिए 90 ऑलमोस्ट जो है कि ये 95,000 के अराउंड में है। और यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सिंपल से पोस्ट डाले गए हैं और जिसके माध्यम से यहाँ पे ये इनकम भी कर रहे हैं, प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक भी इनको मिल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैफिक कैसे मिल रहा होगा, क्या तरीका यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये जो पोस्ट है, अगर ये पोस्ट में एक छोटा सा, ये देखिए मोर का पोस्ट है, अगर इसमें छोटा सा ये लिंक भी ऊपर अगर छोड़ देते हैं ना, तो ये इनके पे काफ़ी सारे ऑडियंस चली जाएगी, ठीक है, बहुत सारी ऑडियंस चली जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया कि अपना चैनल, खुद का स्पेसेस बना के चैनल बना के जो कि यहाँ से ट्रैफिक को गेन किया जाए। दूसरा जो मैंने ट्रिक ढूंढा है, जो ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ जिसके माध्यम से मुझे रिज़ल्ट मिलता है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो ट्रिक यूज़ करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को सर्च करता हूँ जिसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि चलिए मैं आपको उससे रिलेटेड टॉपिक में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर न्यू मूवी यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, या फिर मैं अभी फ़िलहाल RR आया है इसको सर्च करता हूँ। अब ये RR मूवी जो है ये रिलीज हो चुकी है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने सर्च किया और मुझे लगता है RR रिटर्न ऐसा कुछ है, इसका सेकंड पार्ट रिलीज हो गया, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको सर्च करता हूँ मैं, और इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर मैं काम करता हूँ। फ़िलहाल आप देखेंगे तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ, और सर्च करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो रीड मोर का ऑप्शन है, इसके अंदर आएंगे, देखिए बहुत सारे लोगों ने हाइपरलिंक बना रखा है, बहुत आइडिया से गेम खेला जा रहा है। यहाँ पे ये देखता हूँ कि उन पर कितने व्यूज़ हैं, ठीक है, ये देखिए व्यूज़ देख लीजिए, इनके ऊपर देख लीजिए व्यूज़, इनको मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको व्यूज़ दिखेंगे, देखिए व्यूज़ देखिए, इस पर देखिए काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पर 1.4K। तो मैं
उसको फाइंड आउट करता हूँ जिनके ऊपर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। काफ़ी अच्छे व्यूज़ मतलब यहाँ पे अराउंड 50K या फिर 20K, मतलब 30K, 20K, 40K, 50K, उसके ऊपर, मतलब 10K के ऊपर ही होना चाहिए उसका व्यू रेशियो, ठीक है। अगर उसके ऊपर है या फिर उसके कमेंट्स, अगर हम बात करें कमेंट्स में 5000K के, मतलब 5000 के अराउंड में कमेंट्स होने चाहिए, तो उसमें क्या करता हूँ उसके नीचे, जैसे कि अभी आपने इसको रीड मोर पे क्लिक किया, मोर पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर का बटन है और यहाँ पे कमेंट्स का बटन है। इसके ऊपर आप कमेंट्स में यहाँ पे लाके अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो जो है कि यहाँ पे उसे हाइपरलिंक बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था किस प्रकार से जो कि आप बैकलिंक्स बना सकते हैं, किस प्रकार से हाइपरलिंक बना सकते हैं, तो हाइपरलिंक मैं बना के छोड़ देता हूँ। और बैकलिंक्स बनाने का जो, अगर हम बात करें हाइपरलिंक बोले या फिर अगर आप यहाँ पे कमेंट्स बोले, कुछ भी बोले, इसे डू फॉलो बैकलिंक्स कहा जाता है। और यहाँ से जो भी आपको, जो भी लोग हैं, जो भी कमेंट पढ़ते हैं, वो यहाँ से आपकी ब्लॉग वेबसाइट पर डायरेक्टली चले जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसको कैसे बनाना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको जो कि कुछ कोड हैं उनको मैंने उसके ऊपर बताया था। या फिर आप जो कि यहाँ पे सीधा कमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे न्यू मूवी, इस तरीके से मैं एक कमेंट डालता हूँ, या फिर मैं डालता हूँ बेस्ट मूवी, और इस तरीके से मैं बेस्ट मूवी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ सिंपल सा। तो अब आप देखेंगे तो ये सिंपल कमेंट हो चुका है और ये मूवी हाईलाइट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हाइपरलिंक कहाँ पे है, तो देखिए इसके दो तरीके हैं। आप या तो यहाँ पे, अगर हम बात करें, आपको एक कोड आता है उसके माध्यम से आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नहीं बनता है, मे बी अगर नहीं बनता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मैं दूसरा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए आंसर का टैब है, फिलहाल हमने क्वेश्चन को ले लिया था, इसके लिए यहाँ पर नहीं बना, तो यहाँ पर आंसर के टैब पर क्लिक करना है आपको। और आंसर के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है। आप बेहतरीन तरीके से सर्च कर सकते हैं या फिर अपने टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब टॉपिक ऐड कर देंगे तो इससे रिलेटेड ही टॉपिक आपको आने वाली है। देखिए मूवी से रिलेटेड मुझे टॉपिक आ रही है यहाँ पे, व्हेन विल द अवतार 2 ट्रेलर लॉन्च ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से आपको आंसर देना है कि यहाँ पर आप आंसर देंगे कि अवतार 2, ऐसा लिख सकते हैं अवतार 2 रिलीज डेट, और जो भी डेट है वो आप डेट मेंशन कर सकते हैं। मैं 20 मई कर देता हूँ 2022, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने कर दिया, और इसको जो है कि यहाँ पे इसे हाइपरलिंक आपको बना देना है। जैसे कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ हाइपरलिंक बनाने के लिए नहीं दे रहा है, तो इसे हाइपरलिंक बना देना होता है सिंपल सा, क्योंकि ये बेसिक मेरा, अगर हम बात करें अकाउंट जो है बेसिक है, तो इसमें वो सारे फ़ीचर्स अवेलेबल नहीं है जो फ़ीचर्स हमें चाहिए। और यहाँ पे एक, अगर हम बात करें तो हाइपरलिंक बना देंगे सिंपल सा, और बहुत ही आसानी से ये काम करना शुरू कर देता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये हाइपरलिंक बन नहीं रहा है आंसर में, मैं बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ, ये वो सारी सिस्टम हटा दिया है जो चाहिए हमें। अभी इसने लगता है रिसेंटली अपडेट लाया है इसके लिए, जो कि ये काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुका है। तो यहाँ पर हाइपरलिंक आपको बनाना होता है, लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ और तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे जो कि पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आप बैक करके आएंगे, क्योंकि इसका अपडेट आते रहता है गाइस, और इसका अपडेट आ चुका है, इसीलिए जो हमें लिंक, हाइपरलिंक बनाने का जो तरीका है इसमें ये नहीं दिखा रहा है, तो आपको जो है कि बाहर से ही उठाना पड़ेगा, ऑलरेडी हाइपरलिंक बना के उठाना पड़ेगा, उसे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसको, ये ऑलरेडी हाइपरलिंक बना हुआ है, और इसको कॉपी करता हूँ, इसके कॉपी करता हूँ लिंक एड्रेस को, ये देखिए इस तरीके से, और ये आंसर में आता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और किसी चीज़ को मैं ले लेता हूँ, इसको आंसर देता हूँ, चलिए यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ चुका है। और इसे जो है कि कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे कि बेस्ट मूवी जो भी है उसे आप लिख सकते हैं, बेस्ट मूवी जो भी है आप अपने हिसाब से वो आप देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, ये कमेंट दे देने से नीचे ये जो भी आपका, अगर हम बात करें ये हाइपरलिंक है, ये जो है कि लोगों के पास जाता है, और इसे पोस्ट कर देना होता है। अगर आप पोस्ट कर देंगे
तो ये उनके पास चला जाएगा और इसमें आंसर में ऐड हो जाएगा। जब आंसर में ऐड हो जाएगा तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर क्लिक करके लोग पहुंच जाते हैं, बहुत ही आसानी से इसके ऊपर लोग क्लिक करके पहुंचते हैं और इसके माध्यम से मिलती है हमें ट्रैफिक। तो ये दूसरा तरीका है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ सिस्टम को अपडेट किया है जो कि आप क्वेरा पे ही आपको पोस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको आप रीपोस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना आइडिया लगाइएगा। आइडिया यही है कि जब भी आप आंसर देने जाते हैं उसमें पहले ही इसे अपने स्पेसेस में आप या जो भी लिंक है उन्हें पोस्ट कर लीजिए, उसके बाद जो कि यहाँ पे आंसर दीजिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको कंटिन्यू कम से कम 10 से 20 पोस्ट डेली के क्वेरा पे करने होंगे और जिसके बाद ही आप यहाँ पे रिज़ल्ट आपको मिलेगा, जिसके बाद ही आपको जो कि डेली के 2 से 4 हज़ार या 5 हज़ार की ट्रैफिक आपको डेली मिलने वाली है। तो इस पे कोशिश करिएगा 20 से 25 या फिर 30 या फिर 50 तक भी आप जितना घंटा दे सकते हैं, जिससे 2 घंटा 3 घंटा आप काम कर सकते हैं, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।